हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्रिस्टोफर मार्लोव के प्ले टैम्बलिन द ग्रेट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। ये प्ले लिखा गया था 1587 से 1588 के बीच में और इसको पब्लिश करवाया गया था 1590 में। और इस प्ले के टू पार्ट्स हैं और इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। और ये जो प्ले है ये बेस्ड है एशियन एम्परर तैमूर की लाइफ पर, वही वाला तैमूर जिसके नेम पे करीना कपूर और सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम रखा है। और इस प्ले में तैमूर का नाम टैम्बलिन है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्यूरिंग व्हाट एरा वाज द प्ले रिटन। तो ये प्ले किस एरा में लिखा गया था? तो उस टाइम पे एलिजाबेथन एरा चल रहा था। जो क्वीन थी उस टाइम पे वो एलिजाबेथ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द किंग ऑफ पर्शिया। तो इस प्ले में हम देखते हैं कि जो टैम्बलिन है वो बहुत सारी कंट्रीज़ को कॉन्कर करता है। तो सबसे पहले जिस कंट्री पर वो अटैक करता है वो है पर्शिया। तो पर्शिया का किंग होता है माइसेटस। तो फ्रेंड्स, साथ साथ में आपको मैं इस प्ले की समरी भी बताती रहूँगी, क्योंकि अगर आपको प्ले की समरी ही नहीं पता तो अगर आप ऐसे एमसीक्यू या क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठ जाओगे तो आप क्या ही सॉल्व कर पाओगे। तो अगर आपको पहले से उसकी समरी पता है तो आप अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। तो थर्ड क्वेश्चन है, हु इज़ द ब्रदर ऑफ माइसेटस। अब जो पर्शिया का किंग था माइसेटस, उसका एक ब्रदर था कुसरो। फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाई इज माइसेटस मॉक्ड। माइसेटस का मजाक क्यों बनाया जाता है? तो उसका मजाक बनाया जाता है फॉर बीइंग इनफैक्चुअल। तो उसका जो ब्रदर है कुसरो वो उसका मजाक बनाता है, उसको कहता है कि तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं है, तुम में कोई योग्यता नहीं है। तो यहाँ पे होता क्या है, जब माइसेटस कुसरो को बताता है कि टैम्बलिन अपनी आर्मी को लेकर उन पर अटैक करने के लिए आ रहा है, तो कुसरो आगे से उसे क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर देता है। वो कहते हैं कि तुम एक मामूली से शेपर्ड से डर रहे हो। तो जो टैम्बलिन है वो जो काफ़ी सारी कंट्रीज़ को कॉन्कर करने से पहले वो एक शेपर्ड था, उसका जो ऑक्यूपेशन था एक शेपर्ड का था। तो जो कुसरो है वो माइसेटस को एक बहुत ही बेवकूफ़ और निकम्मा किंग समझता है। वो कहते हैं कि जो पर्शिया की राजगद्दी है वो उससे मिलने चाहिए। तो अब इतना सुनने के बाद जो माइसेटस है वो अपने आर्मी का एक कैप्टन थैरिडमस जो है उसको टैम्बलिन को मारने के लिए भेजता है। तो अब जब कुसरो और थैरिडमस जाते हैं टैम्बलिन से लड़ने के लिए, तो यहाँ पे युद्ध नहीं होता, क्योंकि जो टैम्बलिन है वो इनको अपनी साइड ही में ला लेता है। वो कुसरो से कहता है कि मैं तुम्हें पर्शिया का किंग बना दूंगा। पर जब टैम्बलिन युद्ध जीत जाता है तो वो खुद ही पर्शिया का किंग बन जाता है। तो जब कुसरो से राजगद्दी मांगने के लिए जाता है तो इन दोनों में झगड़ा होता है और टैम्बलिन जो है वो कुसरो को भी मार देता है। अब फिफ्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज थैरिडमस टाइटल। तो जो थैरिडमस था वो क्या था? वो एक जनरल था या पर्शिया के आर्मी में एक कैप्टन था। टैम्बलिन इज एक्यूज्ड ऑफ बीइंग ए। टैम्बलिन पर क्या आरोप लगता है? उसे एक थीफ बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द लॉर्ड स्पीक्स आउट अगेंस्ट टैम्बलिन। यहाँ पे हम देखते हैं कि टैम्बलिन की एक बिलवर्ड है जेनोग्रेट, जो कि इजिप्ट की क्वीन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि टैम्बलिन की एक बिलवर्ड है जेनोक्रेट, जो कि इजिप्ट की क्वीन है। तो जब एगिडस उसके पास आता है जेनोक्रेट के पास और उससे काफ़ी सारी बातें कहता है टैम्बलिन के अगेंस्ट, और उससे कहते हैं कि तुम उससे शादी मत करो। तो जो जेनोक्रेट है वो उसकी बातों को ओवरहियर कर देती है, उस पर इतना ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो उससे वो भी प्यार करती होती है टैम्बलिन से। तो जब एगिडस को पता चलता है उसकी उसकी बातों को टैम्बलिन ने सुन लिया है, तो अब उसे डर लगता है कि टैम्बलिन उसे मार देगा, तो वो खुद ही सुसाइड कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कंट्री इज थ्रेटन्ड विद इन्वेजन। तो कौन सी कंट्री को थ्रेट किया जाता है उस पर अटैक करने के लिए? तो वो कंट्री थी पर्सिया। हु वॉन्ट्स टू क्लेम द थ्रोन। तो पर्शिया में कौन था जो थ्रोन को क्लेम करना चाहता था, जो खुद किंग बनना चाहता था? तो वो था कुसरो, माइसेटस का ब्रदर, जो माइसेटस को गद्दी से हटाकर खुद किंग बनना चाहता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट क्राई इज हर्ड एज द सोल्जर्स वेंचर फोर्थ। तो जब सोल्जर्स अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो किस तरह की आवाज़ें या किस तरह की चीखें सुनाई पड़ती हैं? तो गॉड सेव द किंग, ओ गॉड हमारे राजा को बचा लो, इस तरह की आवाज़ें या चीखें सुनाई देती हैं। कोसरो कमेंट्स दैट माइसेटस शुड किस व्हाट। तो कोसरो क्या कमेंट करता है कि माइसेटस को क्या किस करना चाहिए, तो किसको चूम लेना चाहिए अब? तो कोसरो कमेंट करता है कि उसे अपने रॉयल सीट को चूम लेना चाहिए क्योंकि वो अब उसके पास नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टोफर मार्लोव्स चैम्बरलेन द ग्रेट इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ विच इनफेमस लीडर। तो ये जो चैम्बरलेन द ग्रेट प्ले है ये किसकी लाइफ पर बेस्ड है? तो ये बेस्ड है मंगोलियन एम्परर तिमूर द कॉन्करर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं व्हाट वाज द चैम्बरलेन्स ऑक्यूपेशन बिफोर ही टुक अप वॉर। तो इतनी सारी वॉर्स को जीतने से पहले चैम्बरलेन का क्या ऑक्यूपेशन था? तो पहले वो शेपर्ड था। चैम्बरलेन्स रेफरेंस टू माइसेटस एज ए वाइस किंग ऑफ पर्शिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो चैम्बरलेन है वो माइसेटस को द वाइस किंग ऑफ पर्शिया कहकर कमेंट करता है। तो ये किसकी एग्जाम्पल है? ये एक आयरनी की एग्जाम्पल है। आयरनी एज यू नो इज एन एक्सप्रेशन इन विच वी आर यूजिंग द लैंग्वेज दैट सिग्निफाई द ऑपोजिट मीनिंग। तो वो एक तरह से मजाक बनाता है द वाइस किंग ऑफ पर्सिया कहकर क्योंकि इसका मीनिंग उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं चैनोक्रेट सीज द फेट ऑफ विच ऑफ दीज करेक्टर्स एज द पोटेंशियल एलेगरी फॉर द फेट ऑफ चैम्बरलेन। तो वो थे बाजाजत। बाजाजत जो है वो टर्की का किंग था। तो पहले जब पर्शिया पर अटैक किया चैम्बरलेन ने तो उसको कॉन्कर करके बाद में वो टर्की पे अटैक करता है। तो जो चैम्बरलेन है वो डिफीट करके टर्किश एम्परर को उनको स्लेव बना लेता है बाजाजत, तो उसकी वाइफ जबीना और उसके बेटे कैलेपाइन को। तो ये जो चैम्बरलेन और जेनोक्रेट है ये इन दोनों को कैप्चर करके इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। तो जब बाजाजत को ये लगता है कि चैम्बरलेन इतना पावरफुल है कि वो कभी भी उसके कैप्चर से छूट नहीं सकता, तो वो दीवार पर अपना सिर मार कर मर जाता है। और जब जबीना जे देखते हैं तो वो भी दीवार पर सिर पटक पटक के वो भी सुसाइड कर लेती है। अब टर्किश को भी जीतने के बाद चैम्बरलेन जाता है अरब में अरबिया के किंग को विन करने के लिए जो कि जेनोक्रेट का फादर होता है, पर जेनोक्रेट उसे अपने फादर को मारने के लिए रोकती है और चैम्बरलेन मान भी जाता है क्योंकि वो जेनोक्रेट से बहुत ज़्यादा प्यार करता होता है और वो उसे एक छोटा सा राज्य देकर वहां का किंग बना देता है जेनोक्रेट के फादर को, और वह जेनोक्रेट को क्वीन बनाता है और उसके साथ शादी कर लेता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं मार्लोव्स प्रोलॉग टू पार्ट वन इम्प्लाई दैट चैम्बरलेन द ग्रेट विल डिफर फ्रॉम कंटेम्प्रेरी ड्रामा बाय। तो इस प्ले के प्रोलॉग का जो पार्ट वन है उसमें चैम्बरलेन द ग्रेट को कंटेम्प्रेरी ड्रामा से अलग बताया गया है, डिफरेंट बताया गया है। किस वजह से? क्योंकि इसके मजेस्टिक थीम की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स माइसेटस एन ऑब्वियस टारगेट फॉर ए कर्स ऑफ गॉड। तो गॉड का जो कहर है उसका क्या स्पष्ट टारगेट या क्या स्पष्ट कारण लगता है माइसेटस को? तो वो सोचता है कि ही इज कॉम्पिटेंट अ किंग बाय बर्थ ओनली, कि वो जन्म से ही एक योग्य राजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ द ओपनिंग सीन ऑफ द पर्शियन कोर्ट इज दैट। तो जब पर्शियन कोर्ट का ओपनिंग सीन आता है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है? इट सेट्स अप अ कंट्रास्ट बिटवीन द पर्शियन किंग एंड चैम्बरलेन। तो इस सीन में पर्शियन किंग और चैम्बरलेन के बीच में एक कंट्रास्ट दिखाया गया है। तो इस प्ले का जो सेकंड पार्ट है उसमें हम चैम्बरलेन के सन्स के बारे में देखते हैं। तो जो चैम्बरलेन के 3 सन्स थे उनके क्या नेम थे? तो उनके नेम थे अमायरस, कैलेबिनस एंड कैलिफस। तो इसमें जो अमायरस और कैलेबिनस है ये तो बिल्कुल अपने फादर पे गए थे उसी की तरह बहादुर और ब्रूटल, पर जो कैलिफस था इसे बिल्कुल भी युद्ध पसंद नहीं था, तो ये अपने फादर की तरह नहीं था। तो लास्ट में वो अपने बेटे कैलिफस को भी मार देता है चैम्बरलेन क्योंकि उसे लगता है कि वो बुजदिल है, वो उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं है।
तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेम्पली ने अपने कौन से बेटे की हत्या की थी, तो वो था कैलिफस। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बीच में जितनी भी समरी बताई है उसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं, तो उनको मैंने इसीलिए टाइप नहीं किया कि मुझे लगता है कि अगर आपको समरी बताओगी तो आप उन क्वेश्चंस को कर ही लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि फ्रॉम विच ऑफ दिस सोर्स डिड मार्लव लाइकली ड्राइव हिज थीम ऑफ द स्कर्स ऑफ गॉड। तो जो स्कर्स ऑफ गॉड का थीम है, जो गॉड के कहर का थीम है, ये मार्लोव ने कहाँ से ड्राइव किया था, तो उन्होंने ये थीम लिया था थॉमस फोर्टिक्यूस द फॉरेस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाई माइट मार्लोव हैव प्रेजेंटेड पार्ट वन ऑफ टेम्बलिन एज अ ट्रेजेडी व्हेन इट इज नॉट वन। तो मार्लोव ने टेम्बलिन द ग्रेट को, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसे एज ए ट्रेजेडी क्यों प्रेजेंट किया था? तो इसका आंसर है टू इन्वोक अ सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन दैट ही कैन देन सबवर्ट। तो वो एक्सपेक्टेशन का एक सेट इन्वोक करना चाहता था ऑडियंस में, जिसको कि वो बाद में सबवर्ट कर सके, उसको बाद में पलट सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म स्कर्स ऑफ गॉड रेफर्स टू। तो ये जो टर्म है स्कर्स ऑफ गॉड, ये किसे रेफर करती है? तो इसमें एक टायरेंट या वार लॉर्ड होता है, जिसे हम लड़ाई का देवता या अत्याचारी बोल सकते हैं। तो वो जो अनजस्ट है, मतलब कि जो अन्याय है, उसको पनिश करके गॉड की विल को पूरा करता है, गॉड की इच्छा को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट सरप्राइजिंग फीचर ऑफ टेम्बलिन्स अपीयरेंस इन इज, जो टेम्बलिन की अपीयरेंस है वो, उसका सरप्राइजिंग फीचर क्या है, वो किससे मेल खा रही है? तो हिज रिजेम्बलेंस टू द रेनेसांस फिगर ऑफ द पोइट, जो रेनेसांस के पोइट्स हैं उनसे उनकी, उसकी छवि या उसकी जो रिजेम्बलेंस है हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्लियरेस्ट एडिशन मार्लोव मेक्स टू द टाइप ऑफ द क्लासिकल हीरो विद टेम्बलिन। तो जो मार्लोव है वो टेम्बलिन का क्लासिकल हीरोज के साथ क्या क्लियरेस्ट एडिशन बनाता है? तो इसका आंसर है हिज कैपेसिटी फॉर रोमांटिक लव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच करेक्टर बिसाइड टेम्बलिन इज द मोस्ट डिवेल्प्ड एंड सिग्निफिकेंस इन पार्ट वन। तो इसका जो पार्ट वन है टेम्बलिन द ग्रेट का, इसमें कौन सा जो करेक्टर है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल है जिसका, तो वो है टेम्बलिन की बिलवेड जेनोक्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर्स डाई ऑफ स्टेज, कौन सा करेक्टर है जो ऑफ स्टेज जिसकी डेथ होती है, तो वो है माइसेटस। तो माइसेटस की डेथ जो है वो ऑफ स्टेज होती है, जिसे कि प्ले में नहीं दिखाया गया, मंच के बाहर होती है उसकी डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज टेम्बलिन कंसीव अ नोबेल्टी, तो किस तरह से टेम्बलिन ने नोबेल्टी को कंसीव किया था? तो इट इज़ अचीव्ड थ्रू डीड्स, तो उसके कामों से उसने ये अचीव्ड की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेम्बलिन रिस्पॉन्ड टू द प्ले ऑफ द वर्जिन ऑफ डेमास्कस बाय। तो इसमें जो टेम्बलिन है जब डेमास्कस पर अटैक करता है, तो जो डेमास्कस का किंग है वो उसके सोल्जर्स के ध्यान को भटकाने के लिए कुछ वर्जिन्स को भेजता है, पर ये क्या करते हैं जो टेम्बलिन के सोल्जर हैं, दे किल्ड देम एंड हंग ऑन द वॉल ऑफ द सिटी। तो ये उल्टा उन वर्जिन्स को मारकर जो शहरों की दीवारें हैं उन पर इनको लटका देते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज़ वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद अदर्स। थैंक यू।